ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हाय दोस्तों, हरे गंगे नमामि गंगे। अभी आप देख रहे हैं सबसे प्रमुख मार्केट अपर रोड मार्केट का, लोगों की संख्या यहाँ पे कितनी ज़्यादा है, भीड़ कितनी ज़्यादा है। अभी हम आपको हर की पैड़ी मार्केट और साथ में हरिद्वार यात्रा से जुड़ी संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। और यहाँ पे जो गाड़ियाँ आपको चलती हुई नज़र आ रही है, ये भी भीड़ जब होता है तो बंद कर दिया जाता है कोतवाली के पास से, और उसके बाद आपको बेस्ट जो यात्रा है वो किधर से करनी चाहिए ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यहाँ पे लॉकर आपको मिल जाएगा, देख रहे हैं ये लॉकर है 30 रुपया पर बैग के हिसाब से। और ये है घाट, देख रहे हैं ये घाट है, घाट के पास हिला के ये रिक्शे वाले आपको ड्रॉप करते हैं। इस मार्केट में आपको होटल, धर्मशाला, खाने पीने का ऑप्शन अच्छे से मिल जाते हैं, और इसी कारण ही यहाँ सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलता है। और ये मार्ग प्रमुख मार्ग है, इस मार्ग से जो कि आप मनसा देवी रोडवेज और रेलवे स्टेशन जाते हैं। हर की पैड़ी से यहाँ की जो किराया है, देख रहे हैं गंगा घाट के पास छोड़ेंगे 20 रुपये पर पर्सन लेंगे, और ये रास्ता अगर बंद हो तो आपको ऋषिकेश बाईपास की ओर ड्रॉप करेंगे, वहाँ भी छोड़ने का 20 रुपये है। बस वहाँ से आपको लगभग 500 मीटर चलना पड़ेगा। ये देख रहे हैं ये है सीधे मार्ग गया है धर्मगढ़ की ओर। भीड़ काफ़ी ज़्यादा है श्रद्धालुओं का, आप पूरे हफ्ते आपको भीड़ देखने को मिलेगा, और ख़ास तौर पर रविवार को भीड़ सबसे ज़्यादा होती है, चाहे वो हरिद्वार हो या फिर ऋषिकेश हो या वो हिल स्टेशन कहीं पे की बात हो। काफ़ी सारे लोग चप्पल जो तो यहाँ पर रख देते हैं, लेकिन काफ़ी सारे चप्पल चोरी भी हो जाते हैं और ढूंढने में परेशानी होगा। देख रहे हैं प्रमुख मार्ग ब्रह्मकुंड की ओर जाने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी ज़्यादा है। हम आपको आज इस ओर से लेके जाएंगे, पहला द्वार हमने आपको दिखा दिया है, ये पहला द्वार है प्रवेश करने का, दूसरा और तीसरा दिखाते हैं। काफ़ी भीड़ हो रखी है आज यहाँ पे, काफ़ी सारे होटल, खाने पीने का ऑप्शन मिल जाएगा। दूसरा द्वार है हर की पेड़ में प्रवेश करने का, ये है यहाँ पे चप्पल जो रख के आप प्रवेश कर सकते हैं। यहाँ पे ATM है स्टेट बैंक का, बस घाट के पास ही। जब भीड़ ज़्यादा होता है तो इस वाले मार्ग को वो भी खोला जाता है। आज हम आपको दूसरे मार्ग से लेके जा रहे हैं हर की पैड़ी में, यहाँ से आपका पूरी हर की पैड़ी नज़र आएगा। देख रही यहाँ पे काफ़ी सारी दुकान है, और इधर भी आपको ये दुकान मिल जाएंगे। जो ये सारे आपको जो गाड़ियाँ दिखाई दे रही है, सारे भीमगोड़ा की ओर जाने के लिए है। तीसरा मार्ग है हर की पैड़ी प्रवेश करने का, ये वाली मार्ग, इधर से हम अभी प्रवेश कर रहे हैं। ये देख रहे हैं पूरे घाट हाउसफुल हो रखे हैं। ये हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड, ये वाली एरिया ब्रह्मकुंड वाली एरिया है जहाँ पे श्रद्धालु की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, और स्नान करने के लिए देख रहे हैं आज यहाँ पर वेट करना पड़ रहा है, इतनी ज़्यादा भीड़ आज देखने को मिल रहा है। गंगा जी के अंदर भी लाखों की संख्या में लोग आज देखने को मिल रहे हैं स्नान करते हुए, काफ़ी गहरे जल में चले गए हैं। ऐसे आज गंगा जी की धारा कम कर दिया गया है, ऐसे तो जब भीड़ ज़्यादा होता है तो गंगा जी की धारा को ऐसे ही कम कर देते हैं। इधर देखेंगे दूसरे किनारे की ओर, ये है ब्रिज जो कि आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से ले कर पूरे घाटों पर आप देखेंगे भीड़ ही भीड़ है, देख रहे हैं कहीं भी ऐसी जगह नहीं है कि आप कुछ देर बैठ के विश्राम करें, ऐसा तो यहाँ पे ऐसे बैठने की जगह नहीं है। देख रहे हैं वहाँ पे हवन पूजा की विधि संपन्न कराई जा रही है। चल रहे हैं नीचे की ओर, और यहाँ पे देख रहे हैं कितनी जाम लग गया है, इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे। लोग आ जा रहे हैं इसी मार्ग से, इसी कारण थोड़ा ज़्यादा भीड़ हो गया है। देख रहे हैं ये प्रमुख घाटों में प्रवेश करने का मार्ग है हर की पैड़ी में, इधर से हम जाएंगे चप्पल तो निकाल के। ये आप देख रहे हैं घाटों की पूरी भीड़ वाला दृश्य,
देख रहे हैं पूरे घाट हाउसफुल है। यहाँ पे जूता स्टैंड है, यहाँ से चप्पल जूता रख के लोग इधर से होते हुए हर की पैड़ी प्रवेश कर रहे हैं। चलेंगे नीचे की ओर, नीचे का दृश्य आपको दिखाते हैं। देख रहे काफ़ी सारे लोग यहाँ पे चप्पल तो निकाल दिए हैं, उन्हें ढूंढने में काफ़ी दिक्कतें होगी। देख रहे हैं लोगों की संख्या कितनी ज़्यादा है। चल रहे नीचे की ओर, नीचे का दृश्य आपको दिखाते हैं। स्टॉल यहाँ पे भी है, इधर का भी भीड़ आप देख रहे हैं, इधर से श्रद्धालु की संख्या आ रही है भारी और पूरे घाट हाउसफुल हो रखे हैं। ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ये देख रहे हैं घाटों पे किस तरह का भीड़ है, पूरे घाट हाउसफुल हो रखे हैं। देख रहे हैं कहीं भी जगह नहीं दिखाई दे रहा होगा आपको बैठने के लिए। देख रहे हैं पूरी तरह से घाट फुल है। क्या इधर की बात क्या है, ये है महिला घाट हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड के एरिया और ये है दूसरा किनारा जिधर लोग खड़े हुए हैं, स्नान कर रहे हैं, आशीर्वाद ले रहे हैं। देख रहे हैं दोनों ओर ही श्रद्धालुओं की भारी संख्या है और ये भीमगोड़ा की ओर से आने का मार्ग, इधर लोगों की संख्या आते और जाते हुए नज़र आ रही है, इधर भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चल रहे हैं नीचे की ओर, नीचे घाट का दृश्य दिखाते हैं आपको। देख रहे हैं ये है मालवीय घाट और मालवीय घाट से भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति का दृश्य आप देख रहे हैं और सामने आपको VIP घाट नज़र आएगा और इधर लोगों की भारी संख्या जो कि स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ख़ास तौर पे सबसे ज़्यादा चेंजिंग रूम की सुविधा मिलती है, क्रमशः चेंजिंग रूम बने हुए यहाँ पे और भीड़ भी यहाँ पे लोगों की काफ़ी ज़्यादा होता है, बारह महीने यहाँ पे भीड़ देखने को मिलेगा। ये देख रहे हैं घाट पे काफ़ी सारे लोग आराम कर रहे हैं।